नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मेधावी छात्राओं को देने के लिए आई 1500 स्कूटी हो गई कबाड़। मंत्री ने पिछली सरकार पर फोड़ा ठीकरा। राजस्थान सरकार की एक प्रमुख योजना के तहत बांसवाड़ा के दो कॉलेजों में गरीब परिवारों की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए खरीदी गई 1500 से अधिक नई स्कूटी धीरे धीरे कबाड़ में बदल रही है। 80,000 रुपये के हिसाब से खरीदी गई इन स्कूटियों की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है। 2020 में शुरू हुई कालीबाई भील स्कूटी योजना का उद्देश्य अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाली लड़कियों को कक्षा 11 और 12 और कॉलेज में आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इसकी पात्रता के लिए छात्राओं को राज्य बोर्ड परीक्षा में 65% या उससे अधिक अंक और कक्षा 10 या 12वीं में CBSE परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने थे। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने यह योजना शुरू की थी। इसी स्कूटी मामले को लेकर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी का कहना है कि बांसवाड़ा में 2023 में 3000 स्कूटी आई थी, उसमें से 1500 स्कूटी तो वितरण हो गई थी लेकिन 1500 वितरित करने में रह गई थी। खराड़ी ने बताया कि हमने संबंधित अधिकारियों को कह दिया है कि इसी महीने छात्राओं को यह स्कूटी वितरित की जाए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो विलम्ब हुआ उसके लिए तो वो जिम्मेदार हैं, अब हमारे समय में विलम्ब नहीं होगा। स्टेट हेड राजेश खड़से की रिपोर्ट।